छोटी सी बात रह गई है, नेक्स्ट सुन लेना। क्या जब पार्वती आई थी अपनी मां से मिलने के लिए तो शिवजी अकेले रह गए थे। जब बेचैन हुए तो उस समय शकुनी का पुत्र था ब्रकासुर, तो ब्रकासुर जब घूमता हुआ आ रहा था तो बीच में नारद जी से भेंट हुई। तो नारद जी ब्रकासुर ने कही कि जब दुनिया में ऐसा देवता कौन सो है सोने के जल्दी प्रसन्न हो, तो मोह बहुत जल्दी वरदान चाहिए। नारद जी ने बता दिया कि जब दुनिया में सबसे ज्यादा भोले देवता है शिव जी, तुम नेक मना लो सोई काम पूरा है। तो जो ब्रकासुर आया तो शिव जी के परिक्रमा दे एक पैर पर खड़ा हो गया और सेवा करता रहा। और जब शिव जी ने पलक उघार के देखा तो भोलेनाथ जी कहो बेटा कैसी खड़े हो, मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। तब ब्रकासुर ने मांगा क्या आया शिव जी पर, एक पैर पर खड़े होकर के, सुनो समुधर ध्यान अरे बांध देऊ और सिर पे सेला है, मेरी बिनती बारंबार बनाई ले हुई अपनो चेला है, मेरी बिनती बारंबार बनाई ले हुई अपनो चेला है, मेरी बिनती। मैं केवल आपका शिष्य बनना चाहता हूं, ब्रकासुर बोला है मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूं। अरे समय नहीं शिवजी ने किया और है गई खुशी अपारा हाथ बके सिर पे धरी दियो, अब हुई गई खुशी अपारा हाथ बके सिर पे धरी दियो, भैया है गई खुशी। जाओ बेटा आज से तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो गुरु जी मैं मांग लू, बेटा मांग ले जो तेरी इच्छा हो। तो गुरु देवता मुझे इतना बल दीजिए कि जब दुनिया में कोई देवता राक्षस दानव मेरा सामना नहीं करे, इतना बल दीजिए। भोलेनाथ ने हां कर दी, जा पूरा विश्व में तेरा कोई सामना नहीं करेगा। तो गुरु जी ऐसा कोई हथियार तो दे दो ताकि सब देवता डरपे, हथियार तो कोई है ही ना। तो भोलेनाथ हथियार दे रहे हैं अपने शिष्य को, मत घबराई करे मत चिंता मेरा वचन न झूठो जावे, जाके शीश पे हाथ धरे वो तीन बार तू भसम कहावे, भसम कहे तू अपने मुखत सोई वीर भसम है जावे। तुझे हथियार की जरूरत नहीं है बेटा, सुन प्रकाशन, न तो तीर की जरूरत, न तलवार की, न भाले की, केवल इतना करना कि सीधा हाथ और जो तुझसे सामने लड़ने आए उसके सिर पे हाथ रख के और तीन बार भस्म कर देना, सो भस्म हो जाएगा तुझे जरूरत। और बेटा एक शब्द और सुने जा, कौन सा, तबया सी सदही चेला तू ऐसा कलम या जो नाथ करो ए, बिरका सुर तेरा नाम हटाए के भसमा सुर तेरा नाम धरो ए, या बेटा आज से तेरा नाम प्रकाशुर नहीं है, आज से मैंने तेरा नाम भस्मासुर रख दिया है। लौट के चला गया। अब जाके सामने पहुंचे चाहे दानव समाज होता देवता समाज हो, चाहे किन्नर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, केवल बा भस्मासुर के नाम तय दुनिया कांप गई। अलग रहियो काल लो लो बिल्कुल, बात तो कहूं हथियार की जरूरत ना, केवल मुड़ता हूं हाथ लानो है, कोई सामनो नहीं करे। जब दुनिया भयभीत भई तो भस्मासुर अब लौट के आ रहा था, पार्वती आ गई माय के थे। So, पार्वती और शिवजी दोनों आसन पे बैठे। सो भस्मासुर ने कही कि बच्चों कोई लड़ तो है ना, कोई सामने पत्तुना है तो लावा, तो गुरुजी के जोर चले। जो वे लौट के आ रहे थे गुरुजी के पास, भोलेनाथ ने कही आज तो चेला आ रहे, बड़े दिना में लौटो है। और चेलो ने आग गुरुजी के परिक्रमा दे
और शिवजी के दो पैर छुए हेलो ध्यान रखना शिवजी बैठे थे और चेला ने पांचवी की परिक्रमा दी सो कही के बोलना तेने के लला भस्मासुर बेटा मेरे पैर छुए इनके ना छुए सो भस्मासुर ने टेढ़ी नजर करके चो जे को है चुको पहले आओ तब आवे हती जे को है के लला जे मेरी घरवारी है और तुम्हारी मेहतारी है बस महासो ने टेढ़ी नजर करके बूढ़े आदमी की अकल बिगड़ गई है बुढ़ापे ने दावे चारों रंग कैसी कब राजा की सवरानी लड़की है और देख लो बूढ़ो बाबा का करो मेरी घरवाई है तब कही के सुनना रे इतना चितइयो मेमो अब बताइयो का करे के लला जी मेरी घरवारी हूँ तेई मेहतारी है सब बस महासो ने सीधो हाथ उठा के बाबा इतना चितो मेमा भगवान करे ऐसो चेला का हुआ न देवे का कही गुरु ते एक बात में कह रहूं और बुढ़ापे में चिड़ी देखोगे जी कितनी सुंदर लड़की है कहूं राजा की जाको मेल खा रहा हूं मौत है राजीत दे दो और नहीं लड़के दे दो ए पार्वती बोली तेरा नाव मिट जाए तेरे आगे डारे कहां थे और चुप जा बैठो जाके खोपड़े मीट ना दई भाई है और देख लो कितनी उल्टी बात कर रहा हो बोले नाथ ने की पार्वती तुम्हें ना मालूम बनऊगा मोई पे बनो है जित हो रही बोल रहा हूं और तो तक भस्मा सुन गया बाबा बोलो राजीत देव गए के भोलेनाथ ने की जो मुड़ता हूं हाथ आगो तो बचो कुछ एक कदम और धरो आगे बताओ जा लड़कियां राजीत देव गए मोए के पार्वती ने की तेरो नाम मिटिया तेरो पेन तो तू जी बता मेरे घरे आओ कहां थे हैं और बिनती की चों इतना चितइयो बा ब्रतासुर जैसे के सामने तो तुम कभी डर के माना लौटे और जाके सामने कितनी उंटी सूदी के पा रहे हो बोले नाथ ने कि तुम अपई कह रहे हो मोए पर रही है अपई कजे हाथ में कद देखो मैं माओ तो एक बार की दो बार की तीसरी बार जो भस्मा सुन ले कदम धरो के बाबा अरे सोई भाजी का है त्रपुरारी भाजी का पर्वत की गुफा बन रही बा गुफा में भरा के परे शिला अटका ली बात भीतर कांप रहे भजन कर रहे हैं कि प्रभु अब के में इलाज बचा दो जीवत त्या वैसा कबू भूलूंगा ना और ऐसा काम कबू जीवन में करूंगा नहीं पर आज बचा दो मैं कैसे मालूम फन्ना जब पड़ता है एक बजे यज्ञपति महाराज खजूर बचड़ गए खेत में ठाड़ो पेड़ तो इतते तो चढ़त गए ऊपर ही को देखत गए और जाकर ऊपर जाके सब तो ऊपर और नीचे को लखाई करी बुखारो आयो अब भूपत विचार करो भगवान कैसी करके नीचे उतर के पहुंच जाओ सौ ब्राह्मण खवाऊंगा सो धीरे धीरे सरकत आए जेठ भरे के सो अधवर आए गए सोई कही के पचास तो खवाई देंगे थोड़े से नेक और उतरे आए फिर कही कि ना महाराज चिंता मत करियो प्रभु नेक और रह गई है खजूर 25 ब्राह्मण तो खवाई दूंगा और जो नीचे कूदे सोई कई हाथ झार के ना आज उते खजूर पर चढ़ेंगे ना कबू बामन
तो जो भोलेनाथ कांप रहे थे भीतर, ध्यान रखना टेलीफोन मोबाइल तब भी था, लेकिन उस समय का मोबाइल अच्छा था और इस समय का खराब। तो जो भोलेनाथ ने विनती करी कि प्रभु अब के बचा लो, कैसी में ऐसा नहीं भूलेंगे। इधर भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लक्ष्मी पैर दाब रही थी, भगवान के जो कान में शब्द करो सो के लक्ष्मी थे सुनना रही है कि काय के त्याई वो लहंगा भरिया कहा है के चुका करो है के जरूरत है आज निकल लियो। सो लहंगा भरिया लक्ष्मी ने दे दी। फिर कही के वो त्याई सिंगारदानी कहा है, एका काली बिगड़ गई है सिंगारदानी को, तुम का करो है कि तुम्हें ना मालूम नेक नेक नवज हट रही है पीछे, बहुत बड़ो बने हुआ बने हुआ जल्दी निकाल लाओ। तो ध्यान रखना श्रृंगार दानी रखी है सामने। जब वो संसार का ठाकुर अगर किसी की मदद करता है तो वो ये नहीं देखता कि जहां मेरी कहूं तोहिन तो नहीं है। तो आज वो संसार का ठाकुर भोले बाबा इधर कांप रहे थे और क्षीर सागर में शेष की सैया पर कर्म कौन सा किया है। अरे स्वामी समुदा करो श्रृंगार, समय नहीं अब पल भर को कियो। स्वामी समुदा करो श्रृंगार, समय नहीं अब पल भर को कियो। स्वामी अरे आहा घूमा घुमारो जब लहंगा पैरो, घूमा घुमारो देखा है तुमने। अब जिस समय माता बहने बेटियां श्रृंगार करती हैं तो उसके लिए एक ड्रेसिंग टेबल आती है ताकि सामने खड़े होकर देख लो कछु कमी तो ना रही। और इतना भगवान जब सज रहे हैं तो लक्ष्मी तो पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी देखियो सही है हम कैसे लग रहे हैं। तो लक्ष्मी बता का रही है, अरे आहा याद पिया मोई ऐसे लगता, पिया मोई ऐसे लगता, आज पिया मोई ऐसे लगता, आज पिया मोई ऐसे लगता। भैया की घरवार समय नहीं अब पल भर को कियो, मती भैया की घरवार समय नहीं अब पल भर को कियो। स्वामी महाराज मो पूछ रहे हो तुम्हारी समय ऐसे लग रहे हो मत मेरे भैया जालंधर की बहू उठा दे तुम्हें अपनी पर रही है बालम पसीना आ रहा से बजी है। सज के श्रृंगार करके और जब भगवान चले तो रास्ता में चेहरा बनाया पार्वती का, कितनी माया रची जनानो श्रृंगार करके पार्वती को चेहरा धर के और इत भस्मासुर पीछे दाब ही चलोगे शिव जी। और शिव जी बंद है गए पर्वत की गुफा में, सो भस्मासुर गया बाबा बालिकर मार के जाऊंगा, कैसी राजा की लड़की है सगड़ा नहीं था, तू जादू जानता हूं वो मालूम मंत्र मार के बहका लाओ तो ये ना छोड़ेंगे तो बहका लावे। और इतने भगवान पीछे तो पहुंच के कंधा पे हाथ रख दो पार्वती को रूप धर के गए। तो जो भस्मासुर ने नजर करी, अरे तुम काहे को आई, मैं जब बाबे मारे आऊं और तब आऊंगा मैं तुम्हारे पास, तुम्हें तो ले ही जाऊंगा। तो भस्मासुर के सामने तेरी तो औखात क्या है। अरंड कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भ्रकुट विलास सृष्टि ले होई और सपने संकट परेन किस होई,
एक भौं के पलक के हिलने से तो पृथ्वी ऊपर के नीचे है जाते, तू तो बेचतुकाए। सब भगवान ने सामने जाके कही है पार्वती के रूप में, ते इते चेताओ में माए तुम मुझे पसंद हो, मैं पसंद हूं तुम्हें खूब, कि तुम ऐसा खूब तुम पसंद ना होती तो जब बाबा ते लड़बे काई को आतो में। तो एक बात बताओ तुम मुझे राजी हो, बस मां सुनने की खूब राजी ना हो तो फिर लड़ाई काई को लड़तो। तो एक बात बताऊं तुम अगर राजी हो तो दो बात मेरी से क्या, अरे तेरा तन राजी मेरा मन राजी जम कहा करे जी बाबा जी, मेरो राजियो मो तो मैं राजू तुम ते, और सही बात तो जब फिर महात्मा का करे हो मैं कि मैं जाके मैं मार रहा हूं काउ जना तुम मेरे घर पे अकेली रह गई तो जे फिर जादू मार लावे हो। उन्हें की सुनना रे तुम्हारी किस्म खा रही हूं जे महात्मा मुझे कबो अच्छो ना लगो, पर मैं तो स्यापन को डर के मार रहता हूं जय संग। और सही बात तो जे कि मैं जाखन तुम पहली बार देखे ना आए मेरे मन में तो ताई खन भर गई, मैं सही बता रही हूं बिल्कुल तुम अतई राजी हूं। भस्मा सुनने की बिना लड़ाई के ही काम बने हो, बिल्कुल राजी हो, त्याई किस्म खा रही हूं बिल्कुल राजी हूं, पर मैं एक शंका है मुझे। भगवान कह रहे हैं पार्वती के रूप में का शंका है कि जी बताओ ऐसी ले चलो है कि ब्याह करके ले चलो है। बस मां सुनने की ब्याह करना पत्तो भाई हम तो जानते ही ना कैसे होता है, तुम जानती हो? बोले बाबा ने भीतर कही आवाज गई कही एक और आएगा कोई अब ना छोड़ेंगे जे। अच्छा जी बताओ ब्याह तुम जानती हो? भस्मासुर के सामने भगवान कह रहे हैं मैं जानते तो होती हूँ पर तुम मेरी बात मान लो, तो मैं यहाँ लड़का ब्याह करवे ना तो कोई बरना बन के, तो मैं यहाँ की रीत अलग है और तुम्हें बाई रीत ब्याह करना पड़ा, चाहे किस्म खा रही हूँ चाहे संग चले तैयार हूँ। भस्मासुर चौरा है दांगर भी बनेगा। अच्छा जी बताओ जल्दी बताओ ब्याह हो तो कैसे? कहते इतने आने के नीचे उतर के तो आओ। भोलेनाथ कान में न सुन ले, भगवान ने नीचे उतारो तब कही देखो हमारे यहाँ जो लड़का वृंदावन के नाथ हो वो एक हाथ कमर पे धर के और एक हाथ शीश पे धर के तीन बार भस्म कह दे तो सो ब्याह पूरा। भस्मा सुनने कही मैं कह दू तीस बार, अरे तो ये वही मालूम ही ना है। तो चलो ठाड़े भैया तुम्हारी सब मैं बता रही ना हूं तैसी करियो, तुम भूल मत करियो ना कहू। भस्मा सुनने की भूल करो मैं त्या पीछे पागल हूं और जब बाबा को मारने तैयार हूं। तो आज भस्मासुर को चौराहे में खड़ा कर लिया और वो संसार का तीन लोक का ठाकुर आज उस भस्मासुर का कर्म कौन सा कर रहा है? चलो आओ महाराज। एक हाथ जाने कमर धरो ए एक हाथ जाने कमर धरो ए जो हाथ जब शीश गए ओए भस्मा सुर ने भस्म कहो ए बोला ऐसी बता रहे भगवान की तुम्हारी संग तो बहुत अकलमंद हो एक ही बेर में सीख गए। अच्छा नेक अब और कहियो एक बेर और आओ ए चक्कर मार के फिर आओ। एक हाथ जन कमर धरो ए तू जो हाथ जब शीश गए ओए और भस्मा सुर ने भस्म कहो ए चलो अब तो राजी हो। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी बात सुनो है तुम्हारी किस्म खा रही हूं एक बेर और कह दो सही किस्सा। अब बुक भगवान तो कह रहे हैं कि एक बेर और कह दे और बुका समझ लो कि एक बेर और कह दू सोई ब्याह पूरा और भगवान कह रहे एक बार और कह दस किस्सा खत्म। जय हो। एक हाथ जन कमर धरो ए तू जो हाथ जब शीश गए ओए भस्मा सुर ने भस्म कहो ए और भस्म कही असोई ओए और सच्चिदानंद भगवान जी
बार मौत भस्म करी जो चांद में तो झल भरी खत्म। भगवान ने की लेकर आओ बाहर आ जाओ वरदान देत का तागंद जिना देखत गाड़ी कितनी ऊंची नीची जावे हैं अत्याय पीछे में बुकरम करना पर है के सब 33 करोड़ देवता तारी बजा बजा के से आज मेमा देख के भगवान शंका तो भई के कहूं गड़बड़ तो ना है उन्हें की प्रभु बाहर तब निकलूंगा तब तुम अपने सीधे हाथ का कंकन दिखा दो। ध्यान रखना भगवान विष्णु के हाथ में सूर्य के जो नोक कट गई थी उनके चक्कर का जो कड़ा बना था वो कड़ा भगवान विष्णु के हाथ में था ऐसा तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। सो जो भगवान ने वो नेक शिला हटा के कड़ा दिखाया है अपना तब भगवान बाहर निकले तब कही प्रभु आज मान राख दो जीवन भर ऐसा नहीं भूलेंगे पर मुझे तो बता दो दुष्ट मानो कैसे अब आप कहें जाय मत पूछो तुमने और ब्रह्मा जी ने कभी जय नहीं सोची कि आखिर वरदान देते समय कितना ऊंचा नीचा दे जाते हो ताकि परेशानी मेरे सामने आती है। प्रभु अब ना देंगे कभी भगवान ने कि तुम मानो ही ना आदत्य मजबूर हो तुम्हारी कोई सेवा करे हो तुम नहीं मानो। ध्यान रखना वो वरदान देते देते रावण को नहीं दे गए थे सो रावण ते वरदान दे थे शिवजी ने तो दुनिया जी कहती शिवजी थे कि प्रभु तुमने संसार समझाओ पर तुमने पहुंच चेला क्यों नहीं समझाओ रावण तुम्हारा चेला मानो क्यों नहीं। भोलेनाथ ने कि भैया वो इसलिए नहीं माना कि एक बार उसने आकर के मुझसे कहा था कि गुरु जी तुम्हारे शीश के भैया मेरे शीश है 5 और मैं कह के तेरे 10 तो तुम तो दोनों तो वैसे ही जानते हो हर वक्त चेला कह रो गुरु थे कि तुम तो दोनों तो वैसे ही जानते हो। ये रावण ने कहा था सबसे पहले और ध्यान रखना उस रावण का हाल क्या हुआ। आज के जमाने में जो शिष्य गुरु से ये कह देगा समाज में तुम तो ज्यादा जानतू उसका नाश वही होगा जैसे रावण का हुआ था। बोलिए गोविंद भगवान की ध्यान रखें।